दोस्तों अगर आपसे कोई साउथ की फेमस मूवीज के बारे में पूछता है तो आपका जवाब होता है KGF, RRR, पुष्पा और बाहुबली। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साउथ सिनेमा की तीन ऐसी मूवीज के बारे में जो पहले तो काफी पॉपुलर थी लेकिन लोग उन्हें अब भूलते जा रहे हैं। नंबर 3 पर आती है 2015 में रिलीज हुई आई। इसमें आपको लीड रोल के तौर पर साउथ के एक्टर विक्रम और एनी जैक्सन देखने को मिले थे। फिल्म में लिंगेशन नाम का एक हैंडसम मॉडल एक इंजेक्शन के कारण बदसूरत कुबड़े में बदल जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं इस मूवी का बजट 100 करोड़ का था और कलेक्शन 239 करोड़ से भी ज्यादा का हुआ। नंबर 2 2011 में रिलीज हुई कंचना। हो ना हो आपने भी इस हॉरर कॉमेडी मूवी को काफी एंजॉय करा होगा। फिल्म में राघव और उसकी माँ लोगों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये मूवी टीवी पर भी काफी बार आती रहती है। साथ ही इसके दो सीक्वल कंचना 2 और कंचना 3 भी रिलीज कर दिए गए हैं। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पर आती है 2005 में रिलीज हुई अपरिचित। ये फिल्म आज भी साउथ की बेस्ट मूवीज में से एक मानी जाती है जिसमें विक्रम यानी रामानुजम को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। फिर वो कैसे अलग अलग तरीकों से बुरे लोगों का खात्मा करता है ये देखने लायक होता है। वैसे आप लोगों को इनमें से सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी?